हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में पढ़ रहे हैं संत काव्य, ठीक है। और संत काव्य में हम आज चर्चा करेंगे सुंदरदास की, ठीक है दोस्तों। सुंदरदास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को जानेंगे और वीडियो के लास्ट में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण वो मैं रखती हूँ दोस्तों, रोज़ ही रखती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट जाके वो क्वेश्चन देखने हैं, पहले आपको ये तथ्य देखने हैं, उसके बाद ही आपसे वो क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो पहले आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर करना अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सुंदरदास जी है, इनका जन्म हुआ कब, 1596 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, इनके जन्म की ये डेट है 1596 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो सुंदरदास जी का जन्म हुआ है राजस्थान में और राजस्थान के दौसा ज़िले में। कौन से ज़िले में दोस्तों? दौसा ज़िले में। और मैं खुद भी दौसा ज़िले के पास ही से हूँ, मतलब वहीं से हूँ। तो आप अगर कोई राजस्थान से हो यहाँ पे हमारे चैनल पे जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ में या कर रही है, मुझे मालूम ना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप राजस्थान से हो, कौन सी जगह से हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सुंदरदास जी है, ये दौसा के थे, राजस्थान के, ठीक है दोस्तों। दौसा ज़िला है राजस्थान में, जयपुर के बिल्कुल पास में ही, वहाँ के रहने वाले थे ये। देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई, 1689 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1689 ईस्वी में, ठीक है। आप देखिए इनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है या आप भूल गए दादू दयाल के बारे में? उम्मीद करती हूँ कि अभी तो याद होगा, 2 दिन की बात हुई है ये इनको, मतलब दादू दयाल जी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो 2 या 1-2 दिन ही हुआ है मतलब पढ़े हुए, तो आपको मालूम होगा इनके बारे में हमने जो जो महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। तो ये इनके गुरु है, ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। किसके गुरु है? सुंदरदास जी के, दादू दयाल। और देखिए दोस्तों, 6 वर्ष की उम्र में ही सुंदरदास जी ने दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे, दक्षिणा ले ली थी इनसे, ठीक है दोस्तों। तो और देखिए, इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है परमानंद खंडेलवाल। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार डायरेक्ट पूछा गया है कि सुंदरदास जी के पिता का नाम क्या है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया 2-3 बार, मैंने देखा है KBS PGT में आया है और राजस्थान के एग्जाम में भी आया, ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम है सती, ठीक है। ये कहीं कहीं जगह मिलता ही नहीं है, और लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, इनकी माता का नाम सती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो जाति है वो कौन सी है? तो ये खंडेलवाल है, खंडेलवाल बनिया जाति होती है, ठीक है दोस्तों, बनिया है ये। देखिए दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाएं तो 42 मिलती है टोटल, कितनी? 42 रचनाएं मिलती है, लेकिन उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वो ये दोनों है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए, नोट करके मैंने लिखा भी है कि इनके द्वारा रचित कुल जो ग्रंथ मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 42 मिलते हैं, 42, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है तथ्य। और देखिए, इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा सुंदर ग्रंथावली नाम से भी प्रकाशित किया गया, ठीक है दोस्तों। और इसके कितने भाग हैं? 2 भाग है, ये आपको याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं उनका पूरी रचनाओं का एक साथ संकलन करके, और हरिनारायण शर्मा है, इन्होंने सुंदर ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है, और इसके 2 भाग है, ठीक है। भाग भी पूछ सकता है कितने भाग है, तो कितने भाग है दोस्तों? 2 भाग है। ये यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, विशेष तथ्य कौन कौन से बनते हैं इनसे संबंधित वो देख लेते हैं। तो आपको ये तथ्य तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, बिठा लेना है अपने दिमाग में कि सुंदरदास जी है, ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, मिलान वाले में भी पूछा है कि जितने भी हमारे संत कवि है, जितने भी हमारे संत है संत काव्य में, ज्ञानाश्रयी जो काव्यधारा हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें जो सर्वाधिक शिक्षित संत है वो कौन से है? तो सुंदरदास जी है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दादू पंथ के अनुयायियों में भी सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान एवं पंडित कवि थे। जब ये पूरे संतों में ही सर्वाधिक शिक्षित है तो ये दादू पंथ में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दादू पंथ तो सीमित हो जाता है, और दादू पंथ के अलावा अगर पूरे संत काव्य की बात करें तो वो विस्तृत हो जाता है दोस्तों। तो ये पूरा जो संत काव्य है उसी में अगर ये शिक्षित माने जाते हैं संतों की श्रृंखला में, तो दादू पंथ में तो होंगे ही, इस बात को तो आप जानते हो। ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखी आपको समझाने के तौर पे, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाएगा और 4 ऑप्शन देगा, मान लो 4 ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो आपको ये 3 पॉइंट मालूम होंगे, तभी तो आप असत्य की खोज करोगे ना दोस्तों। तो मान लो 1 पॉइंट ये भी दे दिया जाएगा, दादू पंथ के अनुयायियों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान एवं पंडित कवि है, और आपने तो सिर्फ ये ही पढ़ा है कि ये तो संत काव्य के सर्वाधिक शिक्षित
संत है तो आप इसको नहीं करोगे, तो इसीलिए आपको ना ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी साथ में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये इनके बारे में ये तथ्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये श्रृंगार के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन से? श्रृंगार के, ठीक है। सुंदरदास जी है ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं, और शांत रस का प्रतिपादन अत्यंत सरल शैली में किया है इन्होंने। जो शांत रस है उसका प्रतिपादन इन्होंने अत्यंत सरस शैली में किया है। संतों में ये अकेले ऐसे कवि है जिनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों सशक्त है। देखिए दोस्तों, जितने भी संत हैं उनमें ये प्रथम कवि ऐसे है जिनके काव्य पक्ष और भाव पक्ष ये सुंदरदास जी जिनके काव्य का जो भाव पक्ष है और कला पक्ष है, ठीक है, ये दोनों ही बहुत सशक्त है, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने इन दो पंक्तियों में कह दी है कि बोलबो तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, मतलब बोलोगे तो तुम जब जब तुम्हें बोलने की बुद्धि होगी, इस बात का मतलब ये है। और दूसरी लाइन में इन्होंने बोला है कि जोरी वो तो तब जब जोरवे की रीति जाने, मतलब कि जोरीवे का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन करके, शब्दों को इकट्ठा करके तुम कविता का या फिर उसको काव्य का रूप देते हो, उसको बनाते हो, अच्छी सी कविता आप बनाते हो। तो हर किसी से नहीं बनती ना दोस्तों, उसको तो वही बना सकता है जिसको सारी चीज़ों की जानकारी होगी, सबका ज्ञान होगा, वही बना सकता है। तो इन्होंने कहा है कि बोलवो तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, और जोरवो तो तब जब जोरवे की रीति जाने, ये बात कही है सुंदरदास जी ने। तो मान लो कि ये पंक्तियाँ देके डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये पंक्तियाँ किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ किसकी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि काव्य की रीति के ये भली भांति परिचित थे। काव्य की जो रीतियाँ होती है दोस्तों, उनसे ये भली भांति परिचित थे, ये हमें पता ही चल गया, क्योंकि लास्ट में भी पंक्ति थी उसमें देखा कि रीति का ज्ञान होगा तभी तो तुम किसी छंदों को, शब्दों को अच्छे अच्छे शब्द संकलन करके कविता बना सकते हो, ठीक है। तो ये इनको काव्य की जो रीति होती है उसकी भली भांति परिचित थे, जानकारी थी, ठीक है दोस्तों। संत होते हुए भी ये हास्य प्रेमी थे। देखिए दोस्तों, ये संत थे और ऊपर से ये हास्य प्रेमी भी थे, ये बात इनकी अलग है सबसे। ये संत होते हुए भी हास्य रस के प्रेमी थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संतों में सुंदरदास ने सर्वाधिक सुंदर कवित एवं सवैया छंद का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, संतों में जो सुंदरदास जी है इन्होंने सर्वाधिक सुंदर कवित और सवैया, कौन कौन से दोस्तों, कवित और सवैया छंद का सर्वाधिक अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है, सर्वाधिक सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है सुंदरदास जी ने, ठीक है दोस्तों। सभी संतों में ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिय, अब आपको देखिए, आपको ये तो मालूम है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुंदरदास की, लेकिन सुंदरदास को पढ़ते पढ़ते कुछ और तथ्य भी है अतिरिक्त जो भी आपको याद होते चलेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, श्रृंगार रस की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिय, अब आपको मालूम हुआ है, अगर आपको मालूम, वैसे ये सारी जानकारी अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो देखिए, केशवदास की रसिक प्रिय है आपको ये जानकारी रखनी है, नंददास की रसमंजरी है आपको ये जानकारी भी रखनी है दोस्तों, और सुंदर कवि राय है इनकी सुंदर श्रृंगार नाम की कृति है, ठीक है। तो इन तीनों कृतियों की इन्होंने मजाक उड़ाया, ठीक है, आलोचना की है, किसने, सुंदरदास जी ने। और क्यों आलोचना की है, क्योंकि ये श्रृंगार रस में लिखी गई है और आपको पहले ही पता चल गया कि ये श्रृंगार रस का घोर विरोध करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने इनके बारे में, ये पंक्तियाँ कही है और ये पंक्ति करके लिख के इनकी आलोचना की है। देखिए दोस्तों, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगा रही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी, विषय बनाई आनी लागत विषयानी को प्यारी, जागे मदन प्रचंड सराये नख सिखनारी, ज्वें रोगी मिष्ठान खाए रोगई विस्तारे, सुंदर यह गति हुए जुते रसिक प्रिया धारे। देखिए दोस्तों, इनका तीनों का इन्होंने इसी छंद में, एक ही छंद में मजाक उड़ा के कहा है कि ये ना श्रृंगार जो रस है उसका घोर विरोध करते हैं सुंदरदास जी, और उसका घोर विरोध करते हुए इन्होंने केशवदास की जो रसिक प्रिया जो कि श्रृंगार रस में लिखी गई है, नंददास की रसमंजरी है ये भी श्रृंगार रस में लिखी गई है, और सुंदर कवि राय की जो सुंदर श्रृंगार है ये भी श्रृंगार रस में तीनों लिखी गई है, तो इन तीनों का मजाक उड़ाते हुए ये छंद लिखा है। तो मान लीजिए आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का दोस्तों? ब्रज भाषा का, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11वें नंबर पे, देखिए आप, इन्होंने क्या किया, 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी मतलब सीकर जो ज़िला है राजस्थान का, वहाँ पर इन्होंने फतेहपुर सीकरी में प्रवेश किया और प्रवेश करके वहाँ पे एक गुफा है उसमें 12 वर्ष तक योग साधना की। दोस्तों मैं 12 घंटे तक भी नहीं कर सकती, मतलब 12 वर्ष किसे कहते हैं आप अंदाज़ा लगाइए, सोच भी नहीं सकता कोई। 12 वर्ष तक इन्होंने गुफा के अंदर जाके योग साधना की और 1625 ईस्वी में इन्होंने उसमें प्रवेश किया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे, सीकर में है, फतेहपुर शेखावटी या फतेहपुर सीकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। अब देखिए इनके शिष्यों के बारे में जान लेते हैं। इनके 5 शिष्य जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनका शिष्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नारायण दास, टिकेत दास, निर्मल दास, दामोदर दास, श्याम दास, ये पांचों के पांचों है इनके प्रमुख शिष्य। तो आपको इनका नाम याद रखना है। याद रखने का मतलब ये कि आपको ऑप्शन देख के पता चल जाना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, देखिए वो तो ज़माना गया कि डायरेक्ट यूँ पूछ ले कि सुंदरदास का शिष्य कौन सा है और चारों में से किसी एक का नाम दे दे, तो वो तो हर कोई सही कर लेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सुंदरदास का शिष्य नहीं है, तो इनमें से 3 होंगे और एक कोई और रख देंगे वो साइड में, ठीक है। मान लो कि ये 3 रख दिए, ऊपर ऊपर के 3 रख दिए और इनके बाद कोई और रख दिया, मान लो कि रज्जब रख दिया, तो आपको पता होगा कि रज्जब इनके शिष्य नहीं है, तभी तो आप इसको क्रॉस कर पाओगे। तो इसीलिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सुंदरदास को काव्यशास्त्र का सम्यक ज्ञान था। दोस्तों इनको काव्यशास्त्र का ज्ञान था, यही कारण है कि इनकी कविताओं में रस निरूपण और अलंकारों की विधिवत सृष्टि हुई है। इसी कारण से इनकी जो कविताएं हैं उसमें रस निरूपण और अलंकारों की झलक देखी जाती है दोस्तों सुंदरदास जी की कविताओं में, क्योंकि इनको काव्यशास्त्र की जानकारी थी। देखिए दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में कुछ लिखा है, अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। देखिए, विषय अधिकांश में संस्कृत ग्रंथों में संग्रहित तत्ववाद है जो हिंदी कविता में नई चीज होने पर भी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले से हृदयों के लिए विशेष आकर्षक नहीं है, ठीक है। छंदबद्ध प्रहलिकाओं से भी उन्होंने अपने काव्य को सजाने का प्रयास किया है। असल में सुंदरदास संतों में अपने वह उपकरणों के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हो सके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। फिर भी इस विषय में तो कोई संदेह नहीं है कि शास्त्रीय ढंग से वे एकमात्र निर्गुणिया कवि थे, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में। तो इतना इसको देख के डायरेक्ट ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, आएगा तो ये मिलान वाले में ही आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम अपनी तैयारी में कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं अभी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी तारीफ़ की है, और तारीफ़ कैसे की है देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके कवित्व की तारीफ़ कैसे की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये यूपी के एक एग्जाम में मिलान वाले में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके कवित्व की कैसी प्रशंसा की है, ऑप्शन में था भूरी भूरी प्रशंसा, तो आपको यही करना था, तो आप इसको एक बार याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने जितनी जानकारी इनके बारे में पढ़ी है, अब तक जितने भी तथ्य देखे हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैंने बनाए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा मेरे पास थे नहीं तो मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसकी समझ है तभी मैं उसको आपके सामने पढ़ा रही हूँ। तो क्वेश्चन खुद बनाए, और जो मेरा खुद का संकलन है उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है ताकि आपकी ज़्यादा मदद हो जाए। दोस्तों मैं मेरे द्वारा जो लिखी जा रही है किताब उसके सारे क्वेश्चनों को आपको करवा रही हूँ ताकि आपकी मदद, मतलब आपकी मदद भी हो, आपका पेपर भी क्लियर हो, क्योंकि किताब तो पता नहीं कब तक छपेगी, उसमें तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं पहले उसमें जो क्वेश्चन है उनको आपके सामने करवाऊँ ताकि गलती से भी मेरे से एक दो गलती उसमें रह गई है तो वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि पढ़ाती हूँ तो उस टाइम क्या है कि मेरे से कोई गलती रह जाती है, वैसे मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि गलती ना रहने दूँ, लेकिन फिर भी रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देते हो मैडम यहाँ पे ये गलती है, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कमेंट पिन कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी वीडियो देख रहा है दोस्तों, कोई भी नया सब्सक्राइबर आया है यूट्यूब चैनल पर और वो वीडियो देखेगा और देखते ही उसने देखा कि ये तो गलत क्वेश्चन है तो मूड ख़राब हो जाता है। सही सी बात है, मैं भी किसी की वीडियो देखूँ तो मेरा खुद का भी हो जाएगा,
तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कहीं पे भी बाई चांस, वैसे आजकल गलती बिल्कुल भी नहीं रहती, आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, कभी कभी गलती आती है तो मैं तुरंत आप मुझे बता देते हो तो उसमें सुधार करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या है कि कमेंट पिन करने से ये है कि कोई भी सब्सक्राइबर आएगा तो वो क्या करेगा, कमेंट को देखता है और देखने के बाद सबसे ऊपर उसको कमेंट दिखेगा कि हाँ एक क्वेश्चन में गलती थी तो मैडम ने ठीक कर रखा है, तो वो ठीक रहता है मेरे हिसाब से, ये मुझे ठीक लगा इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ। और चलो ये बात तो चलती रहेगी, अभी हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए जो मेरी किताब के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है मैं आप सबके सामने लेके आती हूँ ताकि आपकी मदद हो, आपका पेपर क्लियर हो, आपको सफलता मिले, फिर आप मुझे कहो कि मैडम हम सफल हो गए इस एग्ज़ाम में, तो फिर मुझे खुशी हो, मुझे फिर लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत भी रंग लाई है, आपके साथ साथ जो मेरी मेहनत हो रही वो भी तो रंग लाएगी ना दोस्तों। ऐसे तो है नहीं कि आपकी अकेले की मेहनत काम करेगी, हाँ ये है कि मेरी अकेले की मेहनत काम नहीं कर सकती, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तभी ये मेरी मेहनत सफल हो सकती है, वरना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी फिर कोई मतलब है नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा सुंदरदास का शिष्य नहीं है। मैंने आपसे शिष्यों के बारे में जब पढ़ा रही थी उसी टाइम बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आता है मतलब आता ही है, तो आपको याद रखना है कौन से इनके शिष्य नहीं है। देखिए नारायण दास, निर्मल दास, दामोदर दास, दादू दयाल। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दादू दयाल के शिष्य तो ये स्वयं है, ये स्वयं दादू दयाल जी के शिष्य है, तो ये इनका शिष्य कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, बाकी ये तीनों इनके शिष्य है, ठीक है। संतों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान कवि कौन है, आप देख चुके हो अच्छे से कि कौन है, सुंदरदास जी है। अब आपको ये बताना है कि सुंदरदास जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनकी संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए दो प्रमुख ग्रंथ है इनके द्वारा रचे हुए, लेकिन टोटल जो कुल ग्रंथ है उनकी संख्या कितनी है आप ये बताइए। तो दोस्तों 42 है, आप पढ़ चुके हो अंदर। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन है, तो दोस्तों आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से कि इन्होंने काफ़ी विरोध किया है श्रृंगार रस का, और ये संत कवि होते हुए भी हास्य रस को अपनाते हैं, ये इनकी अनोखी बात है दोस्तों। तो ये सुंदरदास जी है यहाँ पे जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुंदरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं आपको, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ज्ञान समुद्र इनकी प्रमुख रचना है और सुंदर विलास भी है, तो ये दोनों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता दोस्तों यहाँ पे। देखिए दोस्तों सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ, आप सभी जानते हो कि राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सुंदरदास ने श्रृंगार रस की कौन कौन सी रचनाओं की आलोचना की है। आपको बताना है कि सुंदरदास जी ने श्रृंगार रस की कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनकी आलोचना इन्होंने की है। तो देखिए दोस्तों अंदर हम पढ़ चुके हैं कि केशवदास की रसिक प्रिया की रचना की है, रसिक प्रिया की, और नंददास की रसमंजरी की है, और सुंदर कबीर राय की सुंदर श्रृंगार की रचना की है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन सभी की आलोचना की है सुंदरदास जी ने, ठीक है दोस्तों। इन सभी रचनाओं की आलोचना की है इन्होंने, केशवदास की रसिक प्रिया की भी, नंददास की रसमंजरी की भी, और सुंदर कबीर राय की सुंदर श्रृंगार की भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों एक बात और कहनी थी आपसे, आप ये भक्तिकाल वाली वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो, क्या बात है, कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई परेशानी है तो आप बताओ, जो भी दिक्कत है आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ने पढ़ाने का काम चल रहा है वो आप ही के लिए है और आप ही के कारण संभव हो रहा है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक मतलब कि जरिया हूँ, ठीक है दोस्तों। और आप में से एक फ्रेंड है मेरी, मतलब कि यूट्यूब पे ही फ्रेंड बनी है, ऐसे मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो वो बोल रही थी कि मैडम जब आप वीडियो बनाते हो तो आपके पास में ही है ना चिड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत प्यारी और बहुत मधुर लगती है। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या करती हूँ इनको कई बार तो भगाती भी हूँ कि जब तक मैं वीडियो बनाऊँ भाग जाओ तुम, लेकिन ये भागती ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो रूम है ना इसमें एक दीवार में पूरी में खिड़की है, और खिड़की के बगल में बिल्कुल बगल में है आम का पेड़, और आम के पेड़ में ये सारे दिन बैठी रहती है और सारे दिन आवाज़ निकालती है, और मैं इनसे ही बात करती रहती हूँ कभी कभी, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। और लॉकडाउन हुआ है तब से कुछ ज़्यादा करने लगी है, ये दिखा रही है कि देखो मैं तो आराम से घूम रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, तुम बैठी रहो अंदर, साथ मुझे चढ़ा रही है। चलो दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय।